तो कानून और व्यवस्था की स्थिति में भी वो नागरिकों का मदद करते हैं। आपदा के समय राहत और बचाव के काम में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और देश के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जब जो चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोग के तत्वाधान में निष्पक्ष हो, इसके लिए भी हमारे सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, हमने सुरक्षा बलों के जवानों के सीमा पर और उनके निवास दोनों जगह, मतलब आपके और आपके परिवार के सुनिश्चितता के साथ निवास हो पाए, इसके लिए एक समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया है। आज का जो लगभग 25 करोड़ की लागत से जो 5 चौकियों का लोकार्पण हो रहा है, यहाँ पर फतेहपुर बीओपी पर, पैकटोला पर, बेरिया में, आमगाछी में और रानीगंज में, वो सभी ये पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। क्योंकि मोदी सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मानती है कि जो लोग अपने जीवन काल का स्वर्णिम काल देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बहुत दिक्कतों वाली जीवन जीकर निकालते हैं, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना एक भारत सरकार का कर्तव्य है और भारत सरकार ने इसको करना चाहिए। और आज उसी अनुसंधान में जवानों का आवास, एनसीओ बैरेक, चौकी इंचार्ज आवास, जवान का मैस, शस्त्रागार, भंडार कक्ष और लगभग 10 किलोवाट पावर का सोलर प्लांट, ये सारी चीजों का आज यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है। मुझे विश्वास है इससे यहाँ पर जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं उनकी सुविधाओं में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी और उनका कष्ट कुछ मात्रा में तो कम हो पाएगा। इसके साथ साथ पैकटोला में 5 एकड़ भूमि पर लगभग 7.5 करोड़ से एक भवन बनाया गया है, बेरिया में 4.5 करोड़ के लागत से भवन बनाए हैं और अररिया के बतनाहा में लगभग 3.5 करोड़ की लागत से भवन बना है और राजनीगंज में भी 3.25 करोड़ लागत से ये भवन बना है। जहां तक एसएसबी का सवाल है, मित्रों, एसएसबी इसका एक इतिहास है। उसका अभी के स्वरूप का परिवर्तन जब देश में अटल जी की सरकार थी तब अस्तित्व में आया। पहले सीमाओं के लोगों से संपर्क, गांवों के इतिहास और उनकी संस्कृति का डॉक्यूमेंटेशन और उनके साथ एकात्म भाव से काम करना ये ड्यूटी थी। मगर अब जब से एक देश एक सीमा का सुरक्षा बल, ये नीति को भारत सरकार ने अटल जी के समय में संभाला, तब भारत नेपाल और भारत भूटान जो मैत्रीपूर्ण देश है, खुली सीमा है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी एसएसबी को दी है। एक दृष्टि से दिल्ली में बैठकर सोचते हैं तो लगता है सभी सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले सशस्त्र बलों में सबसे सरल ड्यूटी आपका है, क्योंकि दोनों देशों से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है। मगर जब बॉर्डर पर 0.2 पर आकर देखते हैं या आपके डीजीपी साहब जब मिलने आते हैं तब मालूम पड़ता है कि सबसे कठिन ड्यूटी आपका है, क्योंकि यहाँ तार नहीं लगा है, यहाँ बाड़ नहीं लगी है, ये खुली सीमा है। जब सीमा खुली होती है तब जिम्मेदारी अनेक गुना बढ़ जाती है। कितने भी मैत्रीपूर्ण संबंध हो, पड़ोस के देशों की सरकारों की कोई बद इरादा न होने के बावजूद यहां पर और वहां पर समाज में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो खुली सीमा का
उपयोग अपने अनधिकृत कमाई के लिए करते हैं, चाहे स्मगलिंग हो, चाहे पशु तस्करी हो, चाहे घुसपैठ हो। बांग्लादेश से होकर, नेपाल से होकर यहां पर भी घुसपैठ होती है। ये सारी चीजें बहुत दिक्कत वाली होती है। जहां पर बाढ़ लग गई है वहां पर एक सरलता होती है कि बाढ़ कटी या नहीं कटी वो देखना और दूर से बाढ़ को देखते रहना, मगर जहां बाढ़ ही नहीं है वहां कितनी भी घस लगा दो, आपके जाने के बाद कोई आता है तो मैनेज करना बहुत दिक्कत होती। उस वक्त हमारे गांव में रिश्ते, गांव में हमारी सूचनाओं की व्यवस्था, गांव के लोगों के साथ हमारी सेवा के माध्यम से संपर्क, यही सारी चीजें सीमाओं को सुरक्षित कर सकती है। इसलिए सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, ये जो नारा है वो नारा सोच समझकर खुली सीमा वाला सुरक्षा बल मतलब SSB को दिया गया है, जिससे आपको और ज्यादा सजग रहकर करना चाहते हैं। मैं जब आज बिहार में आया हूं तब बिहार और झारखंड, अब तो खैर वामपंथी उग्रवाद वहां समाप्ति के आरे पर है, मगर जब चरम सीमा पर था तब SSB के जवानों ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसको देश कभी भूल नहीं पाएगा। SSB के जवानों ने देश के पूर्वी क्षेत्र में जो नक्सलवाद फैला था उसके खिलाफ अनेक बलिदान देकर एक कठोर लड़ाई लड़ने का काम किया है, और इसी का सुफल आज यह है कि आज बिहार और झारखंड के क्षेत्र में लगभग नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर आया है। कह भी सकते हैं कि समाप्त हो चुका है। बुरा पहाड़ हो, जंगल हो, दोनों जंगलों में आज हमारी CRPF की एक प्रकार से वर्चस्व स्थापित होने का काम समाप्त कर दिया गया है, और इसमें SSB के योगदान को पूरा देश हमेशा ध्यान में रखेगा। मित्रों, जब खुली सीमा होती है जहां तारबंदी नहीं होती है वहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे CCTV हो, चाहे ड्रोन हो, अनेक प्रकार की टेक्निक को अपनाकर सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। सुजोयलाल के नेतृत्व में जो अधिकारी हैं वो सभी को मैं कहना चाहूंगा कि BSF और बाकी सशस्त्र बलों की गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज करकर SSB ने भी टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। जब सीमाएं खुली होती है तब टेक्नोलॉजी सीमा को सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है, तो SSB ने इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं SSB के जवानों को एक और बात के लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब 2019 में गृह मंत्रालय ने वृक्षारोपण का निर्णय किया तब अपने लक्ष्य को सबसे पहले समाप्त करने वाले सशस्त्र बलों में हमारा SSB सबसे आगे है। अभी मोदी जी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हर घर तिरंगा अभियान लिया, खास करकर सीमांत क्षेत्र के गांवों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रदीप्त करने का हमने लक्ष्य रखा था। 10 लाख तिरंगे SSB के जवानों ने घर घर जाकर वितरित भी किए और उसको फहराने का सुनिश्चित, इससे निश्चित रूप से आपका ही काम सरल हो। जिसके घर पर आप तिरंगा लेकर आए हो, जिसने फहराया है, इसके साथ SSB का एक अटूट रिश्ता बनता है और सूचनाओं के आदान प्रदान में वो रिश्ता हमेशा के लिए आप काम आएगा। मैं आज SSB के सभी जवानों को इस मौके पर अनेक अनेक अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी दो राष्ट्रों से जुड़ी हुई सीमा को आप बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ और राष्ट्रभक्ति के साथ आप इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, और आपका इलाका जो SSB का है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजीक है।
ये हमारे देश के लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, ईश्वर, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये पूरी सीमा बहुत संवेदनशील सीमा है, जहां सिलीगुड़ी जैसे संवेदनशील गलियारे के साथ ही आपका ड्यूटी लगा है, तो आपको ज्यादा सजग होकर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप तैयार हो। मित्रों, मोदी जी की सरकार बनने के बाद सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2008 से 14 के वर्ष में लगभग 23,700 करोड़ रुपया, प्रतिवर्ष लगभग 4,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए, और नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 23,700 करोड़ से बढ़ाकर 44,600 करोड़ रुपया तक खर्च बढ़ा है। तो जो खर्च पहले 4,000 करोड़ होता था, वो अब 6,000 करोड़ होता है, लगभग 3.5 गुना बढ़ोतरी रोड की लेंथ में हमने इससे की है। तो ये बताता है कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी कितनी मजबूत है। मगर भारत सरकार सुविधा दे सकती है, वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम लेकर आ सकती है, सीमांत क्षेत्र के विकास उत्सव के कार्यक्रम लेकर आ सकती है, मगर ये सभी चीजों के बावजूद भी सुरक्षा तो आपके अथक परिश्रम और बलिदान के अलावे सुनिश्चित नहीं है। मैं जब भी नेपाल और भूटान बॉर्डर की बात करता हूं, मैं हमेशा सुनिश्चित रहता हूं, क्योंकि मेरा एसएसबी का जवान, मेरी एसएसबी की जवान बहन जो मुस्तैदी के साथ इसकी सुरक्षा करते हैं, राष्ट्र को इस बॉर्डर से कभी खतरा हो ही नहीं सकता। इतनी निश्चिंतता के साथ मैं पूरे देश में जहां जाता हूं वहां बताता हूं। आज यहां 0 पॉइंट पर नेपाल बॉर्डर पर मैं पहली बार आया हूं। इसके बाद जनवरी के सप्ताह में मेरा यूपी में कार्यक्रम है, ये भी 0 पॉइंट पर है। आप सभी को मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी कठिनाइयां देखकर और ये नए भवन देखकर, कठिनाइयां देखकर चिंता होती है और भवन देखकर आश्वस्ति होती है कि कम से कम कुछ तो राहत ये भवन बनने से आप लोगों को मिलेगा, और आपकी कठिन ड्यूटी में थोड़े पल आराम के आप यहां निकाल पाओगे।